आगाह कर रहे हैं कि इम्तहानात कब होंगे, इसका फैसला ईद के बाद किया जाएगा। 10वीं और 12वीं के इम्तहानात पहले होंगे, 9वीं जमात और 11वीं जमात के इम्तहानात का फैसला कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक ही किया जाएगा। शहबाज़ अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज़, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं के हवाले से, कोई फैसला हो पाया है? जी के मुदसर वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सरबराही में बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम का हंगामी इजलास आज हुआ है। इसमें जो तमाम वज़ीर तालीम थे उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। फैसला ये किया गया कि इस मामले को इसके बाद देखा जाएगा, लेकिन एक बड़ा फैसला कर लिया गया कि पहले 10वीं और 12वीं के इम्तहान होंगे, जबकि 9वीं और 11वीं के इम्तहान का फैसला कोरोना की सूरत हाल के बाद किया जाएगा। इजलास के सिलसिले में इस बात पर इत्तेफाक किया गया, मिनिस्टर साहब शेयर करेंगे, लेकिन इम्तहानों के हवाले से एक दो अहम ऐलान मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए हमारी प्रायोरिटी यह है कि पहले हम एग्जाम जो लें वो 12th और 10th क्लास का लें, और उसके बाद जैसे वो 12th और 10th एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके कुछ दिनों के बाद 9 और 11 का एग्जाम शुरू होगा। मैं फिर से रिपीट करूं कि किसी को एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा, कोई प्रमोशन पॉलिसी काम नहीं कर रही। पहला गवर्नमेंट का डिसीजन यह था कि एग्जाम होंगे और एग्जाम डेफिनेटली होंगे। दूसरा यह हुआ है कि क्योंकि इंटरमीडिएट और मैट्रिक के बच्चों को एडमिशन लेने होते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें सूबे मरकज और सब ने मिलकर ये तय किया है कि हम प्रायोरिटी देंगे 12th और 10th के एग्जाम को। तो इस हवाले से क्योंकि गवर्नमेंट का ये ऐलान था कि 15 जून तक कोई एग्जाम नहीं हो रहा, तो एग्जाम इंशाल्लाह 15 जून के बाद पहले फेज में 12th और 10th के होंगे। अब वो डेट शीट जो हैं वो बोर्ड्स बनाएंगे, हो सकता है कि कोई 20 जून से शुरू कर दे, कोई 25 जून से शुरू कर दे, लेकिन ये तय है कि 15 जून के बाद 12th और 10th के एग्जाम होने जा रहे हैं। 9 और 11 के एग्जाम जैसे ये खत्म हो जाते हैं 12th और 10th के, तो उसके बाद 11 और 9 के एग्जाम